हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल, माय कंटेंट, माय वे। और मैं हूं अनुभा और मेरे चैनल पर हम बात करेंगे ब्यूटी, हेयर केयर, स्किन केयर, होम ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंटिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। तो आज का ये वीडियो बेस है मेरे फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे, और मैं अपने फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जो बेनिफिट्स मुझे हुए हैं वो आपको भी हो। मेरे स्किन में जो प्रॉब्लम्स थी उसे मैं काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसका बेनिफिट उठाएं। और इन अगर ये प्रोडक्ट्स आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्ट हैं और मैं इन्हें काफ़ी 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना स्किन केयर प्रोडक्ट्स का ये वीडियो। तो इसमें सबसे पहले हम फेस ही वॉश करते हैं, तो सबसे पहले मैं फेस वॉश से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा पहला प्रोडक्ट और पहला फेस वॉश है ये बायोटिक का, बायोटिक एडवांस ऑर्गेनिक टी ट्री स्किन क्लियरिंग फेशियल वॉश नॉर्मल टू ऑयली स्किन। तो ये एक ऐसा फेस वॉश है जो गर्मियों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही परफेक्ट है। अगर आपकी स्किन ऑयली है या गर्मियों में ऑयली जैसी हो जाती है तो आप इस फेस वॉश को 2 बार यूज़ कीजिए। स्किन पे कोई भी ऑयल नहीं होता, डर्ट नहीं रहती है, और इससे फेस वॉश करने के बाद फेस बहुत बहुत स्मूथ एंड ब्राइट लगता है। तो आप एक बार, और ये ना बहुत काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी है, ये जो काफ़ी बड़ी ट्यूब है, ट्यूब बड़ी का मतलब है कि इसमें 150 ml है ये, और इसका MRP तो 225 है, और ये मयंत्रा पे, अमेजोन पे ईजिली आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगी। तो अगर आप ऑयली स्किन के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, और नॉर्मल स्किन के लिए भी अच्छी है। और ये ब्लेमिश पे काम करती है, इसमें लिखा हुआ भी है आइडियल फॉर ब्लेमिश्ड स्किन एंड एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। तो पिछले 3-4 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो अगर आप कुछ अच्छा और पॉकेट फ्रेंडली फेस वॉश ढूंढ रहे हैं तो इसको ट्राई कर सकते हैं। और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मेरा दूसरा प्रोडक्ट है ये बायोटिक का, बायोटिक एडवांस ऑर्गेनिक टी ट्री स्किन क्लियरिंग मैटिफाइंग फेशियल टोनर। टोनर आपको स्किन पे जरूर ट्राई करने चाहिए, कोई भी टोनर हो आप यूज जरूर कीजिए। और अगर आप कोई टोनर ढूंढ रहे हैं तो बायोटिक के टोनर काफी पॉकेट फ्रेंडली हैं एंड ईजिली वर्क भी करते हैं। तो मैं पिछले 3 साल से तो बायो क्यूकम्बर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ब्लेमिश के लिए मैं कुछ ढूंढ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं एक बार ट्री ट्राई करके देखती हूँ, शायद और ब्लेमिश उसमें से भी काफ़ी कम हो गए, लेकिन थोड़े थोड़े अभी विजिबल हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा ट्राई करूँ जिससे थोड़े और काम हो जाए और क्लीन हो जाए। बट टोनर जरूर लगाना चाहिए, टोनर से पोर्स भी मिनिमाइज होते हैं और स्किन में काफ़ी फ्रेश लगती है आपकी स्किन। तो आप टोनर अगर कोई लेना चाहते हैं तो ये टोनर आप ट्राई कर सकते हैं। और मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है इस स्किन केयर में ये बायोटिक का, बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा का बायो डेंडलिन विजिबली एज लेस सीरम। और जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये इस पर काम करता है। मेरी स्किन पे जितनी भी रिंकल्स थे, जो भी ओवर एजिंग ब्रेकेज आ गई थी, वो सब इससे बहुत हद तक कम हुई है। और मैं इसे पिछले 3-3.5 साल से यूज़ कर रही हूँ दोनों टाइम, मॉर्निंग स्किन केयर में भी और अपनी इवनिंग स्किन केयर में भी। और ये अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं ना जो आपकी एज लेस कुछ सीरम्स या जेल बेस्ड सीरम ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा सीरम है और ये काफ़ी हद तक काम भी करता है। तो ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है और ये मैं ये वीडियो बनाने का रीज़न भी यही प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा प्रेगनेंसी ब्रेकेज बहुत होते हैं, डिलीवरी ब्रेकेज बहुत होते हैं, डिलीवरी के बाद स्किन इतनी ब्रेक हो जाती है, डल हो जाती है, रिंकल्स दिखने लगते हैं, सबके नहीं होता, जिस जिसके होता है वो एक बार इसे ट्राई करो, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद है मेरा थर्ड प्रोडक्ट है ये भी बायोटिक का, ये बायोटिक के ही सारे प्रोडक्ट हैं। ये है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो कोकोनट वाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम। तो ये जो कोकोनट है ना, कोकोनट हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, दोनों ही के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप कोकोनट में कुछ भी ट्राई करना चाहते हैं तो ये अच्छी क्रीम है। ये मैंने भी किसी यूट्यूब में ही सुना था, तो ये मुझे
कई टाइम से मैं इसको लेने की सोच रही थी, पिछले 2 महीने से तो मैं इसको यूज कर ही रही हूँ। ब्राइटन भी होती है स्किन, आप इसको लगाने के बाद ना आप अपने आप फील करोगे कि स्किन काफी हद तक मैट फिनिश आ जाती है स्किन पे, स्किन ब्राइट लगने लगती है, नॉरिश्ड हो जाती है। तो मैं इसको अभी रात में यूज कर रही हूँ, आप इसको दोनों टाइम भी यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया क्रीम है और आप एक बार ट्राई करके देखो, इससे स्किन ब्राइटनिंग लिखा है तो ब्राइटनिंग होती है इससे, मैंने नोटिस किया है। और मैं इसको इवनिंग में, रात में, नाइट स्किन केयर में लगाती हूँ ना, स्किन केयर लगाने के बाद अपना मसाज कर लेती हूँ इजिली और वो एकदम स्मूथ हो जाती है, मैट हो जाती है। तो आप इसे डे में भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसका लुक जो है वो ऑयली नहीं है, मैटिफाई है, तो ये बिल्कुल मैट हो जाती है एंड स्किन ब्राइट हो जाती है। इसके बाद आप जो मेकअप लगाओगे वो अच्छा लगता है स्किन के ऊपर। थर्ड सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट है ये है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो फ्रूट वाइटनिंग डी पिगमेंटेशन टैन रिमूवल फेस पैक। तो आपकी ना पॉकेट में, आपके स्किन केयर में ना फेस पैक जरूर होने चाहिए। वैसे अगर कोशिश करिए आप तो आप घर के जो भी आप फेस पैक्स बना सकते हैं वो बनाइए, बेसन के साथ, चंदन पाउडर के साथ। मैं तो वही करती हूँ, मैं कभी भी मार्केट के स्किन केयर के फेस पैक्स यूज़ नहीं करती हूँ, बट ये आपके पास होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता या हम इतना लेजी फील कर रहे होते हैं कि हमें लगता है कि अरे यार कौन लगाएगा पैक, कौन बनाएगा फिर लगाएगा, तो उस सीन में ये अच्छा है कि बनाना लगाना में ये हो जाता है कि चलिए ठीक है, बनाया है, फटाफट अप्लाई करना है और ड्राई हो जाएगा और फटाफट से हमें स्किन क्लीन कर लेनी है। तो उस सीन में आप कुछ भी अपने स्किन केयर में स्किप नहीं करते हो। सपोज कि आपने मॉइस्चराइजिंग किया और उसके बाद आपको लग रहा है कि स्किन को थोड़ी सी ब्रेकेज है या थोड़ा डलनेस है, तो आप फेस पैक कोई भी यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। अच्छा है, पॉकेट फ्रेंडली है और ये भी डिस्काउंट में मिल जाता है इजिली, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। हेयर केयर में ज़्यादा प्रोडक्ट तो नहीं है, मैं शेयर भी नहीं कर रही हूँ ज़्यादा प्रोडक्ट क्योंकि मैंने ज़्यादा बहुत ट्राई करती हूँ, मेरे को बहुत गंदा वाला हेयर फॉल है, तो उसके लिए मैंने काफ़ी टाइम से मैं कोई ऑयल ढूंढ रही थी। तो ये एक ऑयल पिछले 2 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ, बायोटिक एडवांस्ड ऑर्गेनिक्स ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल, नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी हेयर। ये जो नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी लिखा हुआ है ना, ये इसमें परफेक्टली है। आप इसे मसाज करिए, बालों को बांधिए, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने ऑयलिंग किया हुआ है, धीरे धीरे ऑब्जर्व हो जाता है। और हेयर वॉश करने के बाद जो बालों की जो टेक्स्चर है ना वो इतना स्मूथ लगता है इसको लगाने के बाद। ये आप एक बार यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छा है। और ऑनियन ब्लैक सीड वगैरह तो बहुत अच्छे हैं ही हैं हमारी हेयर्स के लिए, तो अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऑनियन ऑयल, ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल, तो ये वाला ट्राई कर सकते हो। थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली भी है, 300 में आई थिंक मुझे मिला। तो इसको लगाने के बाद ना मैंने फील किया है ऐसा कि आप लगा लीजिए, पहले तो मैं 2 घंटे लगाती थी पर अभी मैं इसको ओवरनाइट रखती हूँ। ओवरनाइट लगाने के बाद ये काफ़ी हद तक, जब मैं शैम्पू करती हूँ तो मेरे बाल बहुत ही स्मूथ डैंगल फ्री लगते हैं, तो जब वो डैंगल फ्री होंगे तो ब्रेकेज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और इस वीडियो का जो मैजिक है या सुपरस्टार कह लीजिए वो ये है, जी हाँ, पतंजलि सौंदर्य का ऑलिवेरा जेल। ऑलिवेरा जेल कोई भी, मैं पतंजलि को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ या जो भी है, पतंजलि भी अच्छा है, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो वाला ऑलिवेरा जेल 2 बार स्किन में ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आप एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, रिंकल्स हैं, ब्रेकेज है, ग्लो नहीं है, तो उस फैक्टर से आप कोई सा भी ऑलिवेरा जेल अपने स्किन के ऊपर 2 बार ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं दोनों टाइम यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग फेस वॉश के बाद टोनर लगाने के बाद मैं जेल लगाती हूँ, और उसके बाद नाइट में भी मेरा यही है कि मैं सेम ही स्किन केयर फॉलो करती हूँ। तो उस सीन में इसने, मुझे नहीं पता, मुझे जहाँ तक मैं बिलीव करती हूँ, ये 2 प्रोडक्ट ने मेरे जो भी डिलीवरी ब्रेकेज थे स्किन के उन पे बहुत अच्छा काम किया, दोनों से मेरी स्किन बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया लगने लगी है और काफ़ी इम्प्रूव हुई है और होपफुली सीजन में और इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसी के साथ बस यही मेरे पास प्रोडक्ट्स थे। तो अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आया हो या आप ट्राई करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट ट्राई किया और आपको उसके रिजल्ट्स कैसे लगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हुआ हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक बटन भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस, प्लीज स्पेंड टाइम विद देम, दे आर वेरी प्रेशियस, एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।